फ्रेंड्स, दीपमोहित किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए आपके लाभदायक और बहुत ही बढ़िया आंवले की मीठा अचार लेकर के आई हूँ, या इसे आप खट्टी मीठी लौंजी भी कह सकते हैं आंवले की। और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी है, ताकि आपके बच्चे बड़े सभी इसे खा सके। और ये बहुत ही विटामिन सी का आंवला बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो ये बालों के लिए, आंखों के लिए और हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए हमें ये जरूर इसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं आंवले की खट्टी मीठी लौंजी। आंवले की मीठी लौंजी बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम आंवले ले लिए हैं, इन्हें अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। और अब हम एक पैन चढ़ाते हैं, एक मैंने पैन चढ़ा लिया है, उसमें हम 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। पानी को अच्छे से खौलने देंगे, पानी को ढक देंगे, इसे अच्छी तरीके से खौलने देंगे। पानी देखिए अच्छे से खौल गया है, और हम जितने ये आंवले सब इसमें डाल देंगे, देखिए। और ये आंवले हम जब तक ये गल नहीं जाए तब तक हम इसे पकाएंगे, अच्छे से नरम हो जाए। 10 मिनट हो गए और हमारा जो आंवला है वो अच्छी तरीके से नरम हो गया है, और इसको हम काट के देख लेते हैं। देखिए अच्छी तरीके से कट रहा है। अब हम इसे छान लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब देखिए सारे आंवले बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए, और अब मैं इनकी सारी कलियां अलग कर लेती हूँ। आंवला बहुत ही अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये बालों के लिए, आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इसके। ये आप निकाल लीजिए और ये अलग रख लीजिए। सारी कलियाँ इसकी हमें अलग कर लेनी है। अब मैंने सारी कलियाँ आंवले की निकाल ली है, और एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं हम। मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है, ये मेरी ब्लैक मेटल की कढ़ाई है। आप स्टील की कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं, मगर एल्युमिनियम की कढ़ाई बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। आंवले की कोई भी चीज़ बनाने के लिए एल्युमिनियम की कढ़ाई को यूज़ नहीं करते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दूँगी। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, और इसमें हम 1 टेबल स्पून सौंफ डालते हैं, और 3/4 टेबल स्पून मेथी दाना डालते हैं, 1 पिंच हींग डालेंगे, और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। गैस को धीमी कर देंगे ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी जले ना। अब इसमें हम 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक डालते हैं, और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। मसाला अच्छे से भून जाए, मसाला अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें आंवले डाल दूंगी सारे, और इसे अच्छे से चला देंगे। गैस हम बिल्कुल धीमी आंच पे रखेंगे। अब इसमें हम थोड़े सूखे मसाले डालते हैं, एक टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, तीन टेबल स्पून हम सॉफ्ट पाउडर डालेंगे, क्योंकि सॉफ्ट पाउडर का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। चलाते रहेंगे इसे लगातार, और आंच को बिल्कुल धीमी रखेंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, क्योंकि ये हमारी खट्टी मीठी लौंजी है, बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें गरम मसाला। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 3/4 का काला नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार सफेद नमक डालेंगे, और इन सब चीजों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
आंवला ठंड के सीजन में आता है और हमें आंवले का बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, बहुत ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आंवले से सारे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों सबको इससे बहुत ही फायदा मिलता है। और अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। मैंने 3/4 कप गुड़ लिया है, 150 ग्राम गुड़ है, 250 ग्राम हमारा आंवला था और 150 ग्राम गुड़ है। इसे भी हम अच्छे तरीके से चला लेंगे, गुड़ पिघलने तक हमें धीरे धीरे इसे चलाते रहना है। लगातार हमें इसे चलाते रहना है। धीरे धीरे चलाते चलाते गुड़ अपना पानी छोड़ देगा, देखिएगा। और धीमी बिल्कुल स्लो स्पीड पे हमें गैस जलानी है। देखिए गुड़ हमारा पानी छोड़ रहा है, इसको धीरे धीरे आपको चलाते रहना है। देखिए गुड़ ने पानी छोड़ दिया है और अभी हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है। अभी ये थोड़ी पतली है, इसे 5 से 10 मिनट हमें चलाते रहना है और ये हमारी बहुत ही अच्छी होती है। इसको हम 6 महीने या साल भर तक स्टोर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आंवला बहुत ही कम समय के लिए आता है, तो उस समय ये बना के हम फ्रिज में रख सकते हैं ताकि हमारा जो इसके जितने बेनिफिट हैं वो सब हमें मिल जाए। अब हमारी ये लौंजी अच्छे से तैयार हो गई, हमारी खट्टी मिट्टी आंवले की लौंजी या फिर आंवले का मीठा चार, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है और ये बहुत ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। और गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।